उत्तर प्रदेश हो या देश विदेश, लाइफस्टाइल हो या मनोरंजन जगत, हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें हमारे मोबाइल ऐप अलाइव 24 न्यूज को। राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में आज अखिल भारत हिंदू महासभा ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान महासभा ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण तो प्रारंभ हो गया है, अब हमारी पार्टी का अगला एजेंडा मथुरा और काशी पर काम करना है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वह किसान आयोग की सरकार से मांग करते हैं और साथ ही जनसंख्या नियंत्रण कानून को भी लागू किया जाए, जिससे कि देश का और सही तरीके से विकास हो सके। अगला लक्ष्य हमारा है काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस का और श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के मंदिरों को भी, उस पवित्र भूमि को भी मस्जिदों के कलंक से मुक्त करवाना, क्योंकि वो भी विधर्मियों द्वारा जबरन कब्जा करके बनाए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि के निर्णय से हमें एक रास्ता मिला है कि हम तमाम अपने पवित्र मंदिरों की, पवित्र भूमि को सभी प्रकार के विधर्मी प्रतीकों से मुक्त करवाने में सक्षम हैं, और ये जो कुछ भी होगा हम न्यायालय के माध्यम से करेंगे। दिल्ली के अंदर हमारी वरिष्ठ अधिवक्ताओं से, सुप्रीम कोर्ट से बात चल रही है केस डालने के सिलसिले में इसमें, और उत्तर प्रदेश के अंदर सुशील चतुर्वेदी जी अधिवक्ता हैं, ये इस चीज़ को देख रहे हैं, जो कि श्री राम जन्मभूमि में भी हिंदू महासभा की ओर से कमलेश तिवारी के बाद ये पैरोकार बने थे। तो आगे भी हम इन्हीं को आगे रख करके वो काशी विश्वनाथ मंदिर का और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का भी हम मुकदमा लड़ेंगे, जीतेंगे और विधर्मी प्रतीकों से मुक्त कराते हुए हम विजय हासिल करेंगे। आज की प्रेसवार्ता के हमारे 3-4 प्रमुख मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो जैसा कि आप बैनर पे देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी, उसके लिए हमने ऋषि त्रिवेदी जो अभी तक लखनऊ के जिलाध्यक्ष थे, इनको उत्तर भारत पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है और इनको उत्तरदायित्व दिया गया है कि आप अभी से चुनाव की तैयारियां करें और अपने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भी आरंभ करें, ताकि समय रहते हम जनता के बीच में जाकर के अपनी जीत को सुनिश्चित करें। दूसरा उद्देश्य हमारा है किसानों की समस्याओं को लेकर के। हम चाहते हैं कि किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए किसान आयोग बने, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योगी आदित्यनाथ जी से मांग की जा रही है, और इसके साथ साथ जो यूरिया का या इस तरीके के जो और कृषि से संबंधित उपकरण हैं उन पर उत्तर प्रदेश सरकार उनको सब्सिडी दे और किसानों की संपन्नता का मार्ग खोले। तीसरा मुद्दा हमारा है कि ये जो एक हमारा कानून लागू किया गया है, हालांकि केंद्र सरकार यदि इसको लागू करेगी तो पूरे देश पर लागू होगा, लेकिन चूंकि हम लखनऊ में, यदि योगी आदित्यनाथ जी इस तरीके का एक अपना प्रावधान पारित करके विधानसभा में लागू करते हैं तो पूरे देश के लिए एक मिसाल साबित होगा और पूरे देश के लिए प्रेरणा मिलेगी, पूरे देश में लागू किया गया है। इसके साथ साथ हमारा एक हमारे दिल्ली के अंदर साध्वी जागृति चोक्सी जी हैं, उनको 3 बार भगवान श्री राम ने स्वप्न में दर्शन दिए और उनको प्रेरित किया कि श्री राम जन्मभूमि पर जो मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ हुआ है वहाँ पर मेरे नाम का सोने का चबूतरा बनना चाहिए। तो साध्वी जागृति जी ने और उनके सहयोगी वरदान स्पिरिचुअल फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने दिल्ली में अखिल भारत हिंदू महासभा से संपर्क करके और इसमें सहयोग मांगा, तो अखिल भारत हिंदू महासभा ने उनको पूरा सहयोग देने का वचन दिया और उनको वो साधी चोक्सी जी को जाना था लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाई हैं। उनके वरदान फाउंडेशन के हमारे पदाधिकारी मौजूद हैं आसिम मलिक जी, तो हिंदू महासभा उनको पूरा योगदान देगी। और इसके लिए कल हम लोग अयोध्या भी जा रहे हैं, अयोध्या में जो ट्रस्ट के महामंत्री हैं चंपत राय जी और दीनेंद्र दास जी महाराज जो उसके सदस्य हैं ट्रस्ट के, तो उनसे मुलाकात करेंगे और उससे पूरी चर्चा करके फिर हम वहीं अयोध्या से इसकी रणनीति घोषित करेंगे। लेकिन हिंदू महासभा और वरदान स्पिरिचुअल फाउंडेशन मिलकर के इस सोने के चबूतरे को वहाँ बनवाएगी, लगवाएगी, ये संकल्प है हम लोगों का। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।